आपके साथ पूजा चौरसिया शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और ट्वीट किया, हम महान सरदार पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं। उन्होंने हमारे देश की जो स्मरणीय सेवा की उसके लिए हर भारतीय उनका ऋणी है। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले पटेल ने छोटी रियासतों के विलय के जरिए देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिवाली के साथ साथ ठंड का मौसम भी बदल जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सरकार के कई महत्वपूर्ण काम दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले हैं। सदन में अच्छी और सकारात्मक बहस होगी, कई नए सुझावों के साथ बहस होगी, तो संसद के समय का उपयोग देश के लिए अधिक कारगर होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी शुक्रवार को संसद पहुंचे। शाह राज्यसभा सांसद के रूप में पहली बार संसद पहुंचे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी सदन के सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के राज्यसभा में जेडीयू नेता शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता रद्द होने पर हंगामा किया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि महागठबंधन की बैठक में था, हमने तय किया था कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम चेहरा होंगे और वोट महागठबंधन के नाम पर मांगे जाएंगे। नीतीश कुमार ने वोट महागठबंधन के नाम पर मांगा और गठबंधन को तोड़कर चले गए। गुजरात चुनाव पर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गुजरात चुनाव पर कहा कि हमें ये पता था कि हम जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 साल बाद भी गुजरात में सत्ता विरोधी लहर नहीं होना सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध करना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के साथ ही ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद क्या करेंगे। सोनिया गांधी ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटने के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विलियम मरे ने हर पखवाड़े होने वाले संवाददाता सम्मेलन में कहा, पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नोटबंदी की घोषणा की थी उससे भले ही पिछले कुछ महीने में कारोबार पर असर पड़ा, लेकिन ये भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। पुरानी दिल्ली की हवेली धर्मपुरा को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड मिला। इसी का जश्न मनाने के लिए हेरिटेज फाउंडेशन ने गुरुवार को दावते खास का आयोजन किया, जिसमें लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ ही संस्कृति मंत्री महेश शर्मा और पर्यटन मंत्री के जे अल्फोंस भी शामिल हुए। बता दें कि हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल हैं। राजस्थान सरकार के आधिकारिक लेटर हेड पर अब अशोक स्तंभ के साथ दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर भी रहेगी। वसुंधरा राजे सरकार ने इसके लिए बकायदा एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक जनसंघ के संस्थापक की जन्मशती और राज्य सरकार की चौथी सालगिरह मनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। पंजाब से हमारे संवाददाता दीपू शर्मा ने बताया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भटिंडा के निजी अस्पताल में दाखिल एक अकाली आगू का हाल जानने पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान बादल ने विरोधी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा, ना तो इन पार्टियों के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर है और ना ही कोई वजूद है। जब से इन्होंने पंजाब की कमान संभाली है तब से अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल पार्टी शुरू से ही पंजाब के हकों के लिए लड़ती आई है। देखो यही जी गल कर जो अपने आप में लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने सौंपदिया ने इस करके दाज ना लोगों के लागे तो हूँ यही गल करते हैं। जुर्म जबर बेइंसाफी एड्डी वीडी ये सरकार चोरी है कि मेरे ख्याल मेरा हो गए 79 साल मैं नहीं कदे वेखी, ना कोई लैंड ऑर्डर है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई वायदे किए हैं पूरे उन्होंने को होया है। बिल्कुल ही ये समझ लिया कि चलो अपन 5 साल मिले है तो मौजा लो तो आनंद लो। फिर हम दसो यही तो जुलम जबर है। हम असं कल मीटिंग है अमृतसर ही चले हाँ, उत्थे अकाली दल का जरा 93 साल पहला अकाली दल वजूद चाहे पार्टी बनी और हमेशा ही उस दिन तो लैके अज तक असी संघर्ष करते आए हैं, पंजाब वास्ते भी पंथ वास्ते भी देश वास्ते।
सीबीआई ने अदालत से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और अन्य को अधिकतम 7 साल जेल की सजा देने की मांग की है। बता दें कि इन्हें कोयला घोटाले में भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश भरत परासर से सीबीआई ने कहा कि उसे उच्च पद संभालने वाले अपराधी हैं और इनकी आधिकारिक स्थिति और आचरण को ध्यान में रखते हुए इनके प्रति उदारता दिखाने का कोई भी आधार नहीं है। सीपीएन यूएमएलए के एक नेता ने कहा कि नेपाल का वामपंथी गठबंधन ना तो भारत विरोधी होगा और ना ही चीन समर्थक होगा, साथ ही ये दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध कायम रखेगा। बता दें कि ये नेपाल में वामपंथी गठबंधन अगली सरकार बनाने की तैयारी में है। मोहाली वनडे में अपनी तीसरी डबल सेंचुरी जमाने वाले रोहित शर्मा का मददगार का नया रूप सामने आया है। श्रीलंका टीम के एक क्रिकेट फैन ने खुलासा किया है कि रोहित शर्मा ने विराट दिल दिखाते हुए उसकी आर्थिक मदद की थी, जिसके कारण वो कोलंबो अपने पिता के पास तक पहुंच पाया। बता दें कि इस फैन के पिता की जाँच के दौरान गले में कैंसर होने का खुलासा हुआ है। 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है को सरहद पार यानी कि पाकिस्तान के लोग नहीं देख सकेंगे। पाकिस्तान के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज करने की अनुमति नहीं दी है। फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।